हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी नैमकुल और आप देख रहे हैं नैमकुल ब्लॉग्स। तो आज जो मैं आप लोगों से बात करने लगी हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं कहाँ पर, यार ये मैं अपने रूम में खड़ी हूँ। और ये जो आप डेकोरेशन देखने वाले हैं, इससे ये ब्लॉग डेकोरेशन के बाद आएगा। जब मैं अपना रूम रिवील कर दूँगी तो फिर बाद में ब्लॉग आएगा कि मैंने अपना रूम कैसे डेकोर किया। आई थिंक दोनों कर लूँगी यार, अगर पहले हुआ तो पहले कर दूँगी, बाद में हुआ तो बाद में कर दूँगी। तो ये वाला सीन है। फिलहाल जो है मैं अपने रूम में खड़ी हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं सो कैन इजीली आपको दिखा सकता हूँ। बाइक का थोड़ा मैस नहीं था, आपको खड़ा लगाया। तो गाइस हमने दरवाज़ा बंद कर लिया है और ये रहा जी हमारा कोट जो कि हमने कल पहना हुआ था। घर में लोगों को ठंड लगती है यार, पता नहीं क्यों बट लगती है। शायद मेरे अभी शोल्डर्स में पहना ही है, इस वजह से मुझे ठंड लग रही है। तो बात यह है कि हम जो है रूम डेकोर कर रहे हैं, और रूम डेकोर करते करते मुझे आइडिया आया कि वाई नॉट वी शूट अ ब्लॉग फॉर दैट। तो वाई नॉट वी शूट ब्लॉग, तो हम लोगों ने सोचा कि यार हम लोग मतलब कोई दो चार बंदे नहीं हैं, मैं अकेली हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ब्लॉग में रिकॉर्ड करूँ ताकि आप लोगों को भी कुछ आइडिया मिल जाए कि यार आप अगर आपको अपना रूम सेट करना है तो आप इस तरह से रूम सेट कर सकते हैं। सो मैंने जो है मिरर नीड कर लिया है, दिखा देती हूँ हम लोग को। तो ये रहा जी मेरा मिरर जो कि मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मैं बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आ रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत डीप क्लीन किया है इसको विद शावर एंड विद। सबसे पहले तो मैंने एक कपड़ा मारा था गीला, उससे बिल्कुल नीट नहीं हुआ था। प्रो टिप दूँ आप लोगों को, तो अखबार पकड़ लें, नहीं तो कोई भी इस तरह का पेपर पकड़ लें इस तरह का, क्योंकि मैंने अपनी जो है कॉपी से निकाला था, एक कोई पुरानी कॉपी पड़ी थी उसमें से मैंने निकाला था और उससे बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन हुआ था। और एक और प्रो टिप देती हूँ आप लोगों को, और वो प्रो टिप ये है कि गाइस आप लोग जो है जब भी पेपर या कुछ भी लेते हैं तो आपने जो है पेपर के ऊपर थोड़ा सा शावर कर देना है। सो देन ये होगा कि वो थोड़ा गीला हो जाएगा, और जब वो गीला हो जाएगा फिर जो वो क्लीनिंग देगा ना आपको, तो वो क्लीनिंग जो है नेक्स्ट लेवल की होगी। ठीक है, तो मैंने इस तरह जो है अपना मिरर नीट कर लिया, और मैं थोड़ा पीछे जा कर दिखा देती हूँ। उसमें इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। बाकी ये जो है ना आपको नज़र आ रही है ना बंदी, इस बंदी को देखिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने नीचे कारपेट्स कर लिए हैं। कारपेट्स का ये वाला सीन है कि कारपेट डाल दिया था तो ज़रा थोड़ा मुझे सॉफ्ट हो गया, चलने फिरने में बैठने में मुझे थोड़ा ईजी हो गया। और सामने मैंने थोड़ा मेस क्रिएट किया हुआ है बट इग्नोर दैट, सामने मैंने थोड़ा सा मेस क्रिएट किया है बट इग्नोर दैट, कोई मसला नहीं। अभी जो है मैंने कंप्यूटर टेबल भी साफ़ कर ली है, और कंप्यूटर टेबल के नीचे बहुत मेस है, वो मैं नहीं दिखाने वाली क्योंकि वो मैं कवर कर दूँगी शीट के साथ। क्योंकि अब जाहिर पता है स्टोरेज, हमें स्टोरेज की बहुत मतलब हम इन्फ्लुएंसर्स को स्टोरेज का बहुत मसला होता है, क्योंकि हमारा जो सामान होता है वो हमें रखना भी होता है, हमें ज़रूरत भी होती है उनकी। बट हम क्या कर रहे होते हैं कि हम जो है उनको कभी किसी को दे देते हैं, कभी उसको कहीं छुपाने की कोशिश करते हैं, अभी कहीं उसको रखने की कोशिश करते हैं, बट नहीं हो पाता। तो अभी जो मुझे क्योंकि मुझे चीज़ों की ज़रूरत भी थी, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने कंप्यूटर टेबल के नीचे रख लिया। उससे यह हो गया कि मुझे थोड़ा रिलैक्स हो गया कि मेरा सामान मेरे पास भी रहेगा, कंप्यूटर टेबल के पास है तो मेरे सामने भी रहेगा मेरा सामान, और जो है चीज़ें भी सेट हो गई। ठीक है, तो ये जो है प्रोडक्ट थी आप लोगों के लिए भी। तो अभी जो है मैंने कंप्यूटर टेबल के ऊपर ना बहुत सारा सामान वो किया, बिल्कुल मुंह के ऊपर कैमरा रख के बात इसलिए करें क्योंकि मेरा हाथ दुख गया इतनी देर से मोबाइल पकड़ा हुआ। ऐसे फिर दोबारा कोशिश करते हैं, लेट्स वॉट दिस ऐसे। तो यार मैंने जो है ना सांस दर्द होता है मुझे, तो यार मैंने टिकटॉक के नोटिफिकेशन बजते रहते हैं आप लोग मुझे पता डिस्टर्ब होते रहते हैं, बट मैं क्या करूँगा। अब नोटिफिकेशन को भी मैं बंद नहीं कर सकती, मुझे पता नहीं चलता अगर मैं बंद कर दूँ नोटिफिकेशन को तो भी मुझे पता ही नहीं चलता कि यार क्या हो रहा है और क्या नहीं। वैसे मैं इतना देखती नहीं हूँ टिकटॉक को, बस मैं अपलोड करके भूल जाती हूँ कि यार मैंने कुछ अपलोड भी किया, मैं देखती नहीं हूँ दोबारा। और ये देखो हाथ कैसे दुख रहा है। तो खैर जो मैंने सामने जो है ना लाइट्स निकाली हैं कि मुझे कौन सी लाइट लगानी है, मैं चेक कर रही हूँ साथ साथ लगा लगा के दिखाती हूँ आपको। यार ये पूरा शॉपर है जो कि आपने 2 साल पहले देखा होगा, मेरा 1 जनवरी का व्लॉग तो उसमें आपको नज़र आया होगा। ये 2 साल पहले आई थी और यूज़ अब होंगी। इसमें बैलून्स भी हैं, बैलून्स को हम रख देते हैं, बैलून्स का हमारे साथ अभी कोई काम नहीं है तो इनको हम इसमें रख देते हैं। अच्छा मेरे पास बैलून्स को फुलाने वाला भी है, आप ही लेके आई थी, सब कुछ लेके आई थी माशाल्लाह से। तो ये वाली लाइट्स जो है ना पहले चल रही थी और अब ये नहीं चल रही हैं, पता नहीं क्यों नहीं चल रही हैं बट ये नहीं चल रही। और ये वाली लाइट जो है मैंने निकाली थी और मैंने इसको ऑन करके देखा था तो ये चल रही है। तो अब सोच रही हूँ कि ये तो या तो फिर मैं ये लगा लूँ, या तो ये लगाऊँगी, नहीं तो फिर मेरे पास एक और ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है ये वाला। अब देखते हैं जो अच्छी लगेगी ना वो मैं लगा दूँगी। तो गाइस अब आप लोगों ने बताना कि कौन सी सच में अच्छी लग रही है, ठीक है। अब मैं ऑन करूँगी आप लोगों के सामने ही और आप लोगों ने ही बताना। वैसे लोग तो काफ़ी लेट जाएगा तो मैं खुद ही डिसाइड कर लूँगा, बस मैं लगा के देख लूँगी कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं वो मैं यहाँ लगा दूँगी। इससे तो एक अलग ही वाइब आ रही है। Yay, looks so beautiful, but I think हमें वो भी ट्राई कर लेनी चाहिए, क्या कहते हो आप? ट्राई कर लो, कर लेते हैं।
लेट्स ट्राई दैट। यार ये भी बहुत अच्छी बात है, सारी बहुत अच्छी, बट सोचो वो वाली कर लगाऊँ तो गाइस डिसाइड ये हुआ है कि अच्छी तो ये भी बहुत लगी है, बट मैं वो वाली लगाऊंगी क्योंकि अभी ना मुझे थोड़ी एस्थेटिक वाइब देनी है, इस वजह से ना मुझे ये वाली लगानी है। तो इसको ओपन करते हैं देन फिर इसको लगाते हैं मिरर पे, फिर आपको दिखाते हैं। तब तक ना आप लोग ये ऐसा करो कि आप लोग टाइम लैप्स देखो, ठीक है? मैं टाइम लैप्स लगा लेती हूँ, आप लोगों को दूर नहीं करना है यार, खुद से खुद के पास रखना है, इसीलिए मैं टाइम लैप्स पे लगा रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो यार मैंने इतनी खवारी काटी है कि किसी तरह ये जो है ना लग जाए इसके ऊपर, इतनी मेहनत करके इसको बार बार लगाया आप लोगों ने देखा हो, बट वो क्या है कि वो उस पर स्टिक नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से तार बार बार गिर जाती है, और गिरती है तो फिर वो सारा कुछ ख़राब हो जाता है। मैं चाह रही हूँ कि एक साइड पर जो है डबल लाइन हो जाए ताकि नीचे ज़मीन पर ना लगे, और नीचे ज़मीन पर लगेगी तो ख़राब हो जाएगी, और ऐसा हो नहीं पा रहा तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। देखते हैं अगर कुछ होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो भी ठीक है। मैं लाइट ऑफ करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या लग रहा है। सो कुछ इस तरह का लुक आया है इसका, दूर से दिखाऊं ऐसे, बट उसमें इसको आप अभी ज़रा इग्नोर कीजिए, जस्ट फोकस ऑन दिस। तो ये कुछ इस तरह का लग रहा है, मिरर बहुत साफ़ किया बट ये मेरे हाथों के स्क्रैच, क्योंकि शीशे पे फिक्स नहीं होता तो मेरा हाथ लग रहा था बार बार, दोबारा साफ। सो ये है जी हमारा, सो ये रहा जी हमारा एस्थेटिक मिरर, जो कि थोड़ा बहुत गंदा भी लग रहा है, बट इट्स ओके, हम इसको फिक्स कर लेंगे। बहुत ट्राई किया बट इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा था हमसे, तो हमने अल्लाह हाफिज़ कर दिया। हमने कहा तुम इतना ही हो सकते हो तो इतना ही रहो, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। तो मैं आप लोगों को दूर से फिर दोबारा दिखा देती हूँ। सो इट लुक्स लाइक दिस। तो जो मेरा ये वाला कॉर्नर है ना, इसकी तो एक अलग ही वाइब आ रही है, मुझे नहीं पता क्यों, बट यस आ रही है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यार। ये लाइट्स जो फेस पर आ रही है ना, कितनी सुंदर लग रही हूँ इन लाइट्स में, मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ। यस इससे मैं बहुत प्यारी हूँ, एज आई नो आई एम सो ब्यूटी। मुझे किसी के बताने से या किसी के कहने से इतना वो नहीं होता, मुझे पता है मैं प्रीटी हूँ यार, किसी के कहने की क्या ही ज़रूरत है कि तुम प्रीटी हो। तुम लोग नहीं भी कहोगे ना कि मैं प्रीटी हूँ तो भी मैं कहूँगी आई एम सो प्रीटी यार, आई एम सो गॉर्जियस। तो गाइस इतना काम तो हो गया, बाकी का काम करना है, और बाकी का काम कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा, बट करना है इतना पता है मुझे। तो यार क्या करूँ, कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहे मेरे माइंड में इस टाइम ना, मेरा माइंड एकदम ऑफ हुआ है, मैं समझ नहीं पा रही कि मुझे क्या करना है, बट करना है यार। हाउ यार हाउ, मैं थक भी गई हूँ यार, इस लाइट ने मुझे बहुत खपा दिया, बहुत ज़्यादा खपा दिया। ऊपर से मुझे इतना झुक झुक के ब्लॉक करना पड़ता है ना, बड़ा गुस्सा आता है। वापस से ऐसे आ जाओ, एसेट बिल्कुल ठीक है। तो ये आप लोगों को मैं नज़र आ रही होंगी, तो अब लाइट ऑन कर लेते हैं और जाके उधर से लिपस्टिक लेके आते हैं, क्योंकि मुझे एक रील बनाना है इसी टाइम। रील बनाना है तो अच्छा सा तो रील बनाना पड़ेगा ना यार। आई थिंक यही वाला लगाते हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है गाइस, मुझे पता नहीं क्यों पसंद है बट यार पसंद है। तो है क्या करें अब हम, आप लोग भी सोचते होंगे मैं कितनी उल्टी हरकतें करती हूँ, बट यार मैं ऐसी ही हूँ, मैं क्या करूँ यार, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे अगर मैं ये वाली हरकतें ना करूँगा तो मुझे लगता है कि मैं शरीर डिप्रेशन की मरीज हूँ, मतलब मैं ये करती नहीं हूँ यार। मतलब ये है कि मेरा कि मैं ये करती नहीं हूँ, ये रैंडमली हो जाती है, इवेंचुअली मेरे साथ ऐसे ही कुछ होता है, मैं नहीं जानती क्या होता है, बट यार ऐसा ही होता है मेरे से। बर्तन बहुत एक तो गिर जाए, मतलब कि उल्टी उल्टी चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको एक अच्छी चीज़ सिखाती हूँ, जो कि कुछ दिन पहले एक फनी चीज़ बताती हूँ, जो कि कुछ दिन पहले हुई थी। तो वो क्या हुई थी, वो ये हुई थी कि अभी जो मैं जहाँ बैठी हूँ यहाँ पर ना, पहले मैंने ये मिरर रखा हुआ था, ये वाला मिरर ना हमने रखा हुआ था पहले इस साइड पर, और ये मिरर जो है ना उल्टा करके रखा हुआ था। मतलब मैं आपको बताती हूँ, मतलब कि यहाँ पे मिरर रखा हुआ था, ठीक है, और मैं जो है मतलब कि यहाँ पे मिरर रखा हुआ था उल्टा करके इस तरह से, ताकि टूट ना जाए, क्योंकि बच्चे आ रहे थे ना घर पे हमारे,
अलीजे वगैरह लोग आ रहे थे उनकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर उठा के रख दिया कि मेरा मिरर जो है बचत हो जाएगी उसकी। और मेरे काम देखो, मुझे ना एक बैग निकालना था बेड के नीचे से, तो मैं जो है बेड के नीचे इस तरह से झुक के गई थी, और इस तरह से झुक के जाने के बाद ना मैं उठ रही थी, ना सर शीशा यहाँ तक था बाहर, तो मेरे सर में शीशा लगा, और यकीन करो 2 घंटे का मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। मतलब मैं ऐसे उल्टी उल्टी हरकतें करती रहती हूँ, इसी तरह की हूँ मैं इसी तरह की हूँ। लोग शायद कुछ लोग समझें कि यार मैं जान के रहती हूँ, बट नहीं यार मैं जान के नहीं रहती हूँ, मैं इस तरह की ही हूँ। मतलब मैं बाय नेचर ऐसी हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरा क्या कसूर है। तो मैं रिलेशनशिप बना लेती हूँ, बाय कपड़े धोने डाले थे तो गाइस ये वो वाले कपड़े हैं, मेरा दरवाज़ा जैम हो गया पर। तो ये गाइस जो आपने पेटी के ऊपर कपड़े पड़े हुए देखे हैं, कपड़े वो वाले कपड़े हैं जो कि मैंने धोए थे परसों और उनको टैंक करके अभी तक रखा नहीं है। ये वो वाले कपड़े हैं, आप ये मत समझना गन डाल के रखा, गन नहीं डालती होती मैं, सफाइयाँ मारती फिरती हूँ पूरे घर की, सारा दिन भी लग जाए ना मैं लगी रहती हूँ सारा दिन में। मतलब कि मुझे कोई और काम करने का दिल ही नहीं करता, मुझे इतनी ज़्यादा वो भी है कि यार हर जगह से मैस क्लियर करना है, हर जगह से मैस क्लियर करना है अपनी लाइफ से भी। गाइस आफ्टर मेकिंग बहुत सारे रील्स मैंने जो है थक हार के हिम्मत हार ली है, क्योंकि मैंने बहुत सारे रील्स बना लिया। मैं लाइट्स ऑन करती हूँ और बाकी का काम करते हैं। असल में हम लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, इतनी सारी रील्स बना ली एक साथ फ्लो में। यार लाइट बहुत अच्छी आ रही है, कसम से बोल, लाइट बहुत अच्छी आ रही है और बहुत अच्छा व्लॉग बन सकता है यार यहाँ पे यार। इसका मतलब है कि मेरा रूम जैसे जैसे सेट होगा तो मेरा जो है व्लॉग और जो क्या कहते हैं जो मैं चाहती हूँ वो चीज़ बहुत अच्छी आ जाएगी यार। पंखा चला दिया हमने भैया, अरे भैया लगता है कि हमसे ना हो पाएगा क्योंकि हम थक चुके हैं बुरी तरह से, और अब हम सोच रहे हैं कि यार चलो अपने जाकर दूसरे रूम में सो लेते हैं, क्योंकि मुझे भी कुकिंग भी करनी है, लिटरली मुझे भी कुकिंग करनी है, और उसके अलावा मुझे बर्तन वॉश करनी है, तो इसलिए मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। और मैं जा रही हूँ अपने दूसरे वाले रूम में, 5-10 मिनट का थोड़ा सुकून होंगे, जब मैं किचन में जाऊँगी नहीं हो पा रहा मेरे से, इतना हो गया कल कर लेंगे। पता दुनिया की सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग चीज़ क्या है मेरे लिए इस टाइम में, मतलब बहुत टाइम से मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग चीज़ ही होती है कि मैं अपने खुल बंधे हुए बालों को जब खोलती हूँ ना तो मुझे सुकून पड़ जाता है। और मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, और आराम करते करते आई थिंक मैं थोड़ा सो जाऊँगी, मैं बहुत थक गई हूँ कसम से, मैं इतना थक जाती हूँ, इतने सारे काम करती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। आप यकीन नहीं करोगे कितने गंदे हालात में लेटी हूँ, मतलब क्या कितने गंदे तरीके से लेटी हुई हूँ। यार मैं थक गई हूँ, मुझे बस सोना है, मुझे पता है मैं सो भी नहीं सकती अभी क्योंकि मैं सोऊंगी नहीं, मैं लेट भी जाऊँ ना, अगर मैं लेट भी जाऊँ ना तो यार मैं नहीं सोती हूँ, ये मेरे यही हालात हैं। कभी कभी सो भी जाती हूँ, समटाइम ऐसा होता है कि मैं नैप ले लेती हूँ, बट आजकल ना मुझे पता नहीं क्या हो गया कि नींद आती भी है तो मैं नहीं सो पाती हूँ, तो वेट कर। तो छोटा सा नैप, झूठ बोल रही हूँ, कोई नैप वैप नहीं लिया मैंने, तो गाइस मैंने छोटा सा नैप लिया है और एक्टिंग भी नहीं हो रही मेरे से, कसम से एक्टिंग नहीं हो रही, मैंने कोई छोटा सा नैप नहीं लिया, मैं लिटरली उस टाइम की जाग ही रही हूँ, मैं बस सोने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा सा फील कर रही थी कि शायद यार थोड़ी नींद आ जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई नींद नहीं आई है मुझे, गुस्सा आ रहा है मुझे, काश थोड़ी सी नींद आ जाती तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती, बट मुझे नींद नहीं आई है, क्या करूँ। अब उठते हैं, उठ के चलते हैं किचन में, क्योंकि 5 बज रहे हैं, मुझे खाना बनाना है, खाना मैं बनानी है। आज सोच रही हूँ मटर की पुलाव बना लेती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, बट मटर की पुलाव इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसमें ये है कि मुझे आटा भी गूंदना नहीं पड़ेगा, और आटा गूंदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, रोटी भी नहीं बनेगी, अगर आटा ही नहीं गूंदेगा तो रोटी कहाँ से बनेगी, तो बेस्ट ऑप्शन है ना कि हम मटर की पुलाव बनाते हैं। रायता बन गया, चटनी बन गई, चावल बन गए, और अब हम खाना खाएंगे, खाना खा के फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। ये पकड़ो यार, ये भी पकड़ लो यार, पकड़ लो ना, कब से पकड़ के खड़ी हूँ, ना पकड़ो। खाना शाना खाया और फ्री श्री हो के तो हम लेट गए, और लेटने के बाद जी थोड़ा टीवी देखा, बस यही कुछ किया हमने।